दोस्तों इस बार एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में होने वाला है और उससे पहले रोहित शर्मा ने T20 में दोहरा शतक जड़कर खुली चेतावनी दे दी है। आखिरकार T20 में दोहरा शतक कैसे लगाया रोहित शर्मा ने, अगर आप भी देखना चाहते हो रोहित का पूरा वीडियो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस बार एशिया कप 2022 का आयोजन दुबई में होने जा रहा है। दोस्तों पिछले 14 एशिया कपों में 7 बार भारत ने चैंपियन बना है और अब एशिया कप 2022 का पहला मुकाबला 27 अगस्त को खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को होगा। लेकिन इस समय भारत जिम्बाब्वे दौरे पर है और भारत और जिम्बाब्वे के बीच कल एक T20 प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर आते ही चौको छक्कों की मानो बारिश कर दी और मैदान पर ला दिया तूफान और देखते ही देखते रोहित ने ठोक दिया T20 करियर का दोहरा शतक। पहले शतक के लिए रोहित ने मात्र 35 गेंदों का सामना किया लेकिन दूसरे शतक के लिए दोस्तों महज 25 गेंदों में ही ठोक दिया दोहरा शतक और बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत ने जिम्बाब्वे को 310 रन का टारगेट दिया, रोहित ने 210 रन ठोके थे। 210 रनों में रोहित ने 25 गगनचुंबी छक्के भी लगाए और जिम्बाब्वे को महज 170 रन पर ऑल आउट कर 140 रन से मुकाबले को जीत लिया।